नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी बिगुल का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी के साथ एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के अलावा मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इस रैली में मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। बताते कि जाट बहुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का प्रभाव है और अभी हाल ही में आरएलडी बीजेपी नीत एनडीए में शामिल हो गया है। आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करने पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने जहां अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, वहीं उन्होंने रैली में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, गन्ना किसान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की। राजधानी दिल्ली में आज विपक्ष एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आज इंडिया ब्लॉक की महारैली रामलला मैदान में आयोजित की गई है। इसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भाग लेने पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह लोकतंत्र बचाओ रैली है। इस महारैली के मद्देनजर पुलिस ने रामलला मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, लेफ्ट नेता सीतापुर येचुरी, एनसीपी शरद पवार सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान रामलीला मैदान के हर द्वार पर जांच की व्यवस्था के साथ ही आसपास के इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी दल गठबंधन इंडिया की मेगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शिरकत के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मंच पर मौजूद रहे। रैली में मंच से बोलते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक देश और एक व्यक्ति की सरकार देश के लिए मुश्किल बन जाएगा। ये देश ताराशाही की ओर चल रहा है, यह सिर्फ आशंका नहीं बल्कि सच्चाई है। उन्होंने कहा कि अगर दो बहनें हिम्मत से लड़ रही हैं तो भाई कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने यह बात सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए, अब की बार भाजपा तड़ी पार। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें घर जाकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे। हालांकि कल ही राष्ट्रपति आवास पर 30 जनवरी को चयन किए गए लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आडवाणी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुँच सके थे। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण ये फैसला लिया गया और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। लक्षद्वीप द्वीप को श्रीलंका को हस्तांतरित करने के मामले में नए खुलासे के बाद चुनावी माहौल में कोलाहल मच गया है। लक्षद्वीप द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय के दौरान साल 1974 में एक समझौता किया गया था और जिसके तहत भारत ने इस द्वीप पर पड़ोसी देश के दावे को स्वीकार कर लिया था। नए खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि यह आंख खोलने और चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने लक्षद्वीपों को कैसे जाने दिया, इसको लेकर नए खुलासे हुए हैं, इससे हर भारतीय में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक बार फिर से यह बात पुष्ट हुई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका रहा है, देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते बल्कि वे नौकरियां देते हैं। उन्होंने उत्तरी मुंबई लोकसभा क्षेत्र के मलाड उपनगर में आदर्श कल्याण एसोसिएशन के निवासियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा। गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के निवर्तमान सदस्य गोपाल शेट्टी ने भी सभा को संबोधित किया और आवासीय परिसर के सदस्यों से गोयल को वोट देने का अनुरोध किया। गोयल ने कहा कि आज के युवक युवतियां सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते बल्कि वे अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आज के युवा नए प्रयोग और नवोन्मेष के जरिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा और इसकी 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक और फिर नया नोटिस मिला है और इसमें आंकलन वर्ष 2014-15 से 16-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए के कर की मांग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है। और सूत्रों ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा छापे के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब्त की गई डायरियों में भी थर्ड पार्टी की एंट्रीज के लिए कांग्रेस पर कर लगाया गया है। इससे पहले मुख्य विपक्षी दल ने कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं। कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपए की कर मांग के खिलाफ अदालत का रुख किया है और इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आपका दिल दहला जाएगा। और जहां बहराइच शहर के मोहल्ला वजीरबाग निवासी एक सफाई कर्मी ने पत्नी के ड्यूटी पर जाते ही अपनी सौतेली बेटी और बेटे का गला चाकू से काट दिया। इसके बाद अपने गले पर भी चाकू से वार किया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलने पर एसपी एएसपी नगर और पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही बच्ची की मां पिंकी जिला अस्पताल पहुंच गई। उसका कहना है कि उसके पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनका इलाज 2 साल से चल रहा है। शायद इसी के चलते ये हमला किया गया है। तमिलनाडु के वेलोर के गुड़ियाथम शहर के पास वेपुर गांव में एक दुखद घटना में एक झील में डूबकर दो किशोरियों समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो मृतक झील में नहाने गए थे। मृतकों की पहचान 45 साल की एस सरोजा, उनकी 22 वर्षीय बेटी एस ललिता तथा 18 वर्षीय वाई काव्या और उसकी 17 साल की छोटी बहन प्रीति के रूप में की गई। काव्या और प्रीति अपनी मां वाई लक्ष्मण्या के साथ वेपुर गांव के मुनीश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। पूजा करने के बाद उन्होंने पीछे की तरफ स्थित झील में स्नान करने का फैसला किया। लवण्या दूर रही क्योंकि वह अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद में लिए हुए थे। अन्य 4 महिलाएं जो तैरना नहीं जानती थी नहाने के लिए झील में उतर गई। परेशानी को भांपते हुए लवण्या मदद के लिए चिल्लाई और स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों को सतर्क किया गया जिन्होंने तलाशी अभियान के बाद शवों को बाहर निकाला। मृतकों के शवों को वेलोर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेज दिया गया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने नतीजों का ऐलान किया है। नतीजों के मुताबिक 13 लाख परीक्षार्थी पास हुए हैं। पूर्णिया के शिवांकु टॉपर बने हैं तो वहीं समस्तीपुर के आदर्श ने दूसरा स्थान हासिल किया है और तीसरे स्थान पर 4 परीक्षार्थी हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी और परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1,585 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बिहार कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में 8,22,587 छात्रों और 8,72,194 छात्राओं सहित 16 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।